लिए इसी सिलसिले को जोड़ दिया जाए। और बगैर तमीज शायर को बुलाने वाला था, लेकिन बाहर हाल आप थोड़ा सा आमादा हो गया ताकि आने वाले शायर को ये न लगे कि माहौल पूरी तरह से बरकरार नहीं था। कि कहा साहिल ने, आइए क़िबला की बात से बात को जोड़ दिया जाए, कि कहा साहिल ने नक्शे पाए मौला हम भी देखेंगे, कहा साहिल ने नक्शे पाए मौला हम भी देखेंगे, रवा दरिया के सीने पर मुसल्ला हम भी देखेंगे, कहा साहिल ने नक्शे पाए मौला हम भी देखेंगे, रवा दरिया के सीने पर मुसल्ला हम भी देखेंगे, हमारी बेकरारी को तमाशा कह चुकी दुनिया, चले आओ तो दुनिया का तमाशा हम भी देखेंगे, चले आओ तो दुनिया का तमाशा हम भी देखेंगे, चले आओ तो दुनिया का तमाशा हम भी देखेंगे। आइए हजरात, हर दिल अजीज शायर, मुतरन्निम शायर, अभी कुछ दिन पहले मुझे इतला हुई कि नौगांव में तशरीफ लाए थे और बड़े अच्छे अच्छे मिसरे पेश कर रहे थे जनाब अख्तर साहनवी साहब, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन आवाज, आप पूरी तरह से आमादा है आने वाले शायर के इस्तकबाल में एक सलवात मांगने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इस पुरमसरत शब की आप सभी की खिदमत में अख्तर मिर्ज़ा साकनवी की मुबारकबाद, और बहुत मशकूर और ममनून हूँ आप लोगों का जो आप लोगों ने अपनी 27 साल की उम्र तक एक मरतबा भी यहाँ आने का शरफ हासिल नहीं हुआ था, और अब पाँचवें दिन दो मरतबा आने का शरफ हासिल हुआ। ये मौला का करम और आप लोगों की मोहब्बत है, लिहाजा चार मिसरे जो मैं अपने तारुफ में पढ़ा करता हूँ बतौर खास मुलाजा कीजिएगा। मर्ज है जिसको बोझ है दर का, मर्ज है जिसको बोझ है दर का, ये बला दूर हो नहीं सकती, मर्ज है जिसको बोझ है दर का, ये बला दूर हो नहीं सकती, ये बला दूर हो नहीं सकती, जिस्म माज़ूर तो है अख्तर का, जिस्म फिक्र माजूर हो साथ। चार मिसरे जनाब शहजादे हजरत अली असगर के हवाले से बतौर खास मुलाजा फरमा लीजिएगा। चलन बुढ़ापे का हो जाता खत्म दुनिया से, बतौर खास मुलाजा कीजिएगा, शायद कुछ कहने की शक्ति है। चलन बुढ़ापे का हो जाता खत्म दुनिया से, उसे जरा सा भी करिए गुमान हो जाता, चलन बुढ़ापे का हो जाता खत्म दुनिया से, उसे जरा सा भी करिए गुमान हो जाता, और फिदा न होती ज़ुलैखा कभी भी यूसुफ पर, फिदा न होती कभी भी ज़ुलैखा यूसुफ पर, अगर हुसैन
लगन बुढ़ापे का हो जाता खत्म दुनिया से, उसे जरा सा भी गर ये गुमान हो जाता, फिदा न होती जुलेखा कभी भी यूसुफ पर, फिदा न होती जुलेखा कभी भी यूसुफ पर, अगर हुसैन का सगर जवान हो जाता, अगर हुसैन का सगर जवान हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतला और दो शेर इन्हीं मोहब्बतों के साथ, फरमाइश है लोगों की, सारी फरमाइशें तो नहीं दूर पूरी कर पाऊंगा, मजबूरी है, कुछ नया भी पढ़ना होता है, लेकिन जी पहला नया बतौर खास मुलाजा कीजिएगा। अहले बैत से जिनको कराबत धारी है, अहले बैत से जिनको कराबत धारी है, अहले बैत से जिनको कराबत धारी है, उनसे हमको प्यार है रिश्तेदारी है, उनसे हमको प्यार है रिश्तेदारी है। और शेर सुनिए, बिल्कुल ताजा कलाम है, मजहब ओ ईमा अपना ताजियादारी है, मजहब ओ ईमा अपना ताजियादारी है, मजहब ओ ईमा पहचान हमारी है, मजलिस मातम ही पहचान हमारी है, मजलिस मातम ही पहचान हमारी। और जिस शेर के लिए सारे शेर कहे, बतौर खास मुलाजा फरमा लीजिएगा, सबसे प्यारी होती है औलाद मगर, शेर सुनेगा सभी लोग बतौर खास, सबसे प्यारी होती है औलाद मगर, सबसे प्यारी, सबसे प्यारी होती है औलाद मगर, हमको आजादारी औलाद से प्यारी है। सबसे प्यारी होती है औलाद मगर, सबसे प्यारी होती है औलाद मगर, हमको आजादारी औलाद से प्यारी है। प्यारी है और उसका नहीं दुनिया में कहीं भी कोई इलाज, बतौर खास मुलाजा कीजिएगा, उसका नहीं दुनिया में कहीं भी कोई इलाज, उसका नहीं, उसका नहीं दुनिया में कहीं भी कोई इलाज, बुग़्ज़े अली की जिसको भी बीमारी है, बुग़्ज़े अली की जिसको भी बीमारी है, बुग़्ज़े अली की जिसको भी बीमारी है।
बीमारी है। और ये शेर बतौर खास मुलाजा कीजिएगा, जिक्र नबी हो जिक्र अली ना होवे अगर, जिक्र नबी हो जिक्र अली ना होवे अगर, जिक्र नबी हो जिक्र नबी हो जिक्र अली ना होवे अगर, ये तो रसूल हक से खुली गद्दारी है, ये तो रसूल हक से खुली गद्दारी है। और वही लोग उठाते हैं गाजी कलम, वही लोग उठाते हैं गाजी कलम, वही लोग उठाते हैं गाजी कलम, जिनके खून में गैरत और खुददारी है, वही लोग उठाते हैं। जश्न महफिल नूर है, दो तीन शेर और इंशाल्लाह उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। बतौर खास मुलाजा फरमा लीजिएगा, लब पे तराना होगा या तो मेहंदी का, मेरे लब पे तराना होगा या तो मेहंदी का, या तो मेहंदी का मेरे लब पे तराना होगा, वह फरिश्तों की जबां पर मेरा चर्चा होगा, वह फरिश्तों की जबां पर मेरा चर्चा होगा। और पढ़ के ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, पढ़ के ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, महफिले नूर से शैतान को भगाना होगा, पढ़ के ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, महफिले नूर से शैतान को भगाना होगा। और बतौर खास मुलाजा कीजिएगा, हम लोग अरिजा क्यों लिखते हैं, बतौर खास मुलाजा कीजिएगा, और हाजतें छोड़ अरिजे में ये लिखा है सवाल, हाजतें छोड़ अरिजे में ये लिखा है सवाल, हाजतें छोड़ अरिजे में ये लिखा है सवाल, इतना बतलाइए कब मिलना मिलाना होगा, इतना बतलाइए कब मिलना मिलाना होगा। और महफिले नूर के मेहमान खुसूसी बनकर, महफिले नूर के महफिले नूर के मेहमान खुसूसी बनकर, इनविटेशन देता हूं बतौर खास मुलाजा कीजिएगा, महफिले नूर के मेहमान खुसूसी बनकर, एक अरीजे के बुलावे ही पे आना होगा, एक अरीजे के, महफिले नूर के मेहमान
दावे ही पे आना होगा। पानी की बहुत फरमाइश है, दो एक मतला और दो शेर पानी के हवाले से मुलाजा कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आपकी जहमतें तमाम। शुक्रिया। मैंने जब नजरे शहेदी को बढ़ाया पानी, बतौर खास मिला दीजिएगा कि मिसरा, सिर्फ छह मिसरे पढ़ूंगा। मैंने जब नजरे शहेदी को बढ़ाया पानी, मैंने जब नजरे शहेदी को बढ़ाया पानी, मैंने जब नजरे शहेदी को बढ़ाया पानी, अपनी तकदीर पे फूला ना समाया पानी। मैंने जब नजरे शहीदी को बढ़ाया पानी, मैंने जब नजरे शहीदी को बढ़ाया पानी, अपनी तकदीर पे फूला ना समाया पानी, अपनी तकदीर पे फूला ना समाया पानी। और अहले ज़ौक सामईन है और स्टेज पे बैठे हुए सभी लोग से खुसूसन तवज्जो चाहूंगा, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड पेश किया एक शेर के अंदर, बतौर खास मुलाजा कीजिएगा। नाम शब्बीर पे बटता रहे दुनिया में सदा, 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 अर्ज से तीन गुना यूं है बनाया पानी, अर्ज से तीन गुना यूं है बनाया पानी, अर्ज से तीन गुना यूं है बनाया पानी। और ये शेर आप लोगों को तोहफ़तन अख्तर मिर्ज़ा की तरफ से पेश किया जाता है, बतौर खास मुलाजा कीजिएगा क्योंकि यहाँ तकरीबन ज़्यादातर हज़रात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नस्ल से मंसूब हैं, लिहाजा आप लोग आपके जद्दोजहद के लिए शेर सुन लीजिएगा। नाम शब्बीर पे बटता रहे दुनिया में सदा, नाम शब्बीर पे बटता रहे दुनिया में सदा, अर्ज से तीन गुना यूं है बनाया पानी, और मैंने तारीख में देखा है मेरे मौला ने, मैंने तारीख में देखा है मेरे मौला ने। ये शेर खास तौर से पीछे खड़े हुए लोगों की नजर कर रहा हूं, खास तौर से मुलाजा कीजिएगा, अगर पसंद आ जाए दाद बेशक मत देना, लेकिन दुआ जरूर कर देना अख्तर मिर्ज़ा के हक में ताकि आपकी मिसल में भी खड़ा हो सकूं। बतौर खास मुलाजा कीजिएगा पीछे खड़े सारे लोग, मैंने तारीख में देखा है मेरे मौला ने, 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 घर पर आए हुए दुश्मन को पिलाया पानी।
भाई अगर मुमकिन हो तो इसमें थोड़ी ईको डाल दो वरना जान ले लेगा, थोड़ी सी ईको बढ़ा दो। जिस नज़्म के लिए हुक्म हुआ है दरअसल ना वो शेर है ना वो शायरी है, आप सब लोग बोलते हैं मैं भी बोलता हूँ, सिर्फ उसे मैंने लहजा दिया है और आप लोग मेरे साथ में पढ़ेंगे। ना वो शेर है ना वो शायरी, सिर्फ अल्फाज हैं नारे हैं जो आप और हम आम तौर पे बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का हुक्म यहाँ आने के बाद भी था और यहाँ अभी भी फ़िलहाल। बतौर ख़ास मुलाहज़ा कीजिएगा और मेरे साथ 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 आप भी पढ़ेंगे। एक नारे है दर अली अली, एक नारे है दर अली अली, एक नारे है दर अली अली, सब बोलिए मिलकर अली अली, सब बोलिए मिलकर अली अली, एक नारे है दर अली अली, हर घड़ी हक पर पयंबर दामाद पयंबर, एक नारे हैदर सब बोलिए मिलकर, जब बोले ये कंबर अली अली, तब बोले अबू जर तब बोले अबू जर, सब बोलिए मिलकर हम हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर सब बोलिए मिलकर, दामाद पयंबर कातिल अंतर नबी पर और दोष नबी पर, एक नारे है दर हम सब के लबों पर अली अली, कहो हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर सब हाथ उठाकर, दामाद पयंबर वालिद शब्बर अली अली, अब्बास के फादर अब्बास के फादर, सब बोलिए मिलकर दोनों हाथ उठाकर, दामाद पयंबर साकी कौसर अली अली, हर पाक जबां पर हर पाक जबां पर, कहो हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर। अमा दो शेर रह गए पीछे वाले, दो शेर पर तो हाथ उठा लिए, दो शेर पर तो बोल सकते हैं आप लोग। और वैसे भी हाथ बांधने की हमारी रस्म तो है नहीं, बाकी आप बेहतर समझते हैं। ईमान का समंदर अली अली, अनवार का पैकर अनवार का पैकर, कहो हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाकर, हरे घर हरे दर अली अली, मेरी पाक जबां पर हर पाक जबां पर, सब बोलिए मिलकर कहो हाथ उठाकर, कहता है ये अख्तर अली
दोनों हाथ उठाकर नारा।